अधिष्ठाता महोदय, आपने वर्ष 2022-23 के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर दिया है। अभी हमारे प्रतिपक्ष के साथी पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से हमारी रोड कनेक्टिविटी या हमारी रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी या परिवहन का या वाटर एंड वेज का, ये 7 जो हमारे पीएम गति शक्ति में हमने बनाया है, मुझे लगता पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। और मैं केवल आंकड़ों से कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने 2022 और 23 के लिए इस मंत्रालय के लिए हमारी सरकार ने 1,99,108 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, क्योंकि हमने निश्चय किया है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, कि आज हम दुनिया में जब कोविड की वैश्विक चुनौती में आज पूरी दुनिया की, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, जिसकी डबल डिजिट इकोनॉमी थी, आज वो घट करके हमसे आ गए हैं। और हमारी 2022-23 की जो हमारी इकोनॉमी का अनुमान है कि हमारा आर्थिक विकास दर 9.2% होगा, 9.2%, और इसलिए उसमें सबसे बड़ा रोल रोड का होता है, कनेक्टिविटी का होता है। तो हमने 1,99,108 करोड़ जो इस साल का बजट एलोकेट किया है, मानोर हमारी जो पिछली साल का बजट था उस बजट की भी तुलना में हमने 52% इस मद में हमने वृद्धि की है, जो शायद आज तक के आज़ादी के बाद का ये पहला रिकॉर्ड है कि हमने अपने देश की रोड की कनेक्टिविटी में हमने किया। और आज जो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट रखा था, तो उस समय भी जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहा था कि हमारे देश की, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे उन्होंने कहा था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 75वां वर्ष हो रहा है, तो हम ये बजट हम केवल इस वर्ष के लिए नहीं, अगले 25 साल पे जब आज़ादी का अमृत महोत्सव के 100 साल हों, तो उसको देखते हुए कि हम पूरी दुनिया में, अगर आज हमारी जो रोड का नेटवर्क है, इस बात के लिए हम निश्चित तौर से अपनी सरकार को बधाई देंगे कि आज विश्व में, अगर पूरे विश्व में अमेरिका नंबर 1 पे है रोड नेटवर्क में, तो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे भारत ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और वो इसलिए कि हमने जो प्राथमिकता रखी है वो इस बजट में आप देखिए, हमने पहली बार पीएम गति शक्ति रखा है। और इस पीएम गति शक्ति का ये है कि हम अभी तक रोड अपनी कनेक्टिविटी को देखती थी, रेल अपनी कनेक्टिविटी को देखती थी और एयर अपनी कनेक्टिविटी को देखती थी, वो लोग अपना अपना विस्तार करते थे। लेकिन जो एक तरह से ग्रोथ के 7 इंजन हैं, या देश के डेवलपमेंट के लिए, जो किसी देश के किसी समाज के लिए जो सबसे 7 जो पावरफुल इंजन हैं, वो चाहे सड़क हो, रेलवे हो, हवाई हो, या विमान पत्तन हो, या माल परिवहन हो, या जलमार्ग हो, या लॉजिस्टिक अवसंरचना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन 7 के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाने का पीएम गति शक्ति में फैसला किया है। और ये सारे जो हमारे ये 7 जो ग्रोथ के इंजन हैं, इनकी सारी परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति के फ्रेमवर्क से जोड़ा जाएगा। ये पहली बार ये सोच हमारी सरकार की है कि हम पूरे देश के जो डेवलपमेंट के ग्रोथ के हमारी स्कीम्स हैं, उन 7 के सबके डाटा एक्सचेंज हो, या सबको हम एक मॉडल प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, क्योंकि पीएम गति शक्ति में आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में जो एक परिवर्तनकारी है, उसको हम किस तरीके से करेंगे। और इसी दिशा के लिए आज मान्यवर हमने, अगर हम देखें तो जो 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2020-21 में जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 9,964 करोड़ का था, वहां 2021-22 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब हम एस्टेब्लिशमेंट में, सैलरीज में इस पे खर्च कर रहे हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जब इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिस पे हम परिसंपत्तियों का निर्माण या रोड्स का निर्माण करते हैं, वो हम लगातार डिक्लाइन हो रहा है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो बजट एस्टिमेटेड था 2022-23 का, आज पिछले सालों की तुलना में केवल 15% की वृद्धि हो रही, 15% की। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर 2021 में 89,195 करोड़ था, 21-22 में 1,21,251 करोड़ था, तो आज 22-23 पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,87,744 करोड़ हो गया। 55% कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारी सरकार ने वृद्धि किया। और अगर हम 22-23 में देखें तो इस तरह से 94% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगातार डिक्लाइन हो रहा है। मानवर लगातार बात कही जा रही है कि साहब रोड पे कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ सरकार किस तरीके से कर रही है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने प्रतिपक्ष के साथियों कि 31-3-2004 को NH की लंबाई 65,569 किलोमीटर थी। 2014 में जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी उस समय नेशनल हाईवे की इस देश में 91,287 किलोमीटर उन्होंने निर्माण किया। कांग्रेस यूपीए के 10 वर्षों में नेशनल हाईवे जो बना वो 25,718 किलोमीटर बना, ये 10 वर्षों में। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय नेशनल हाईवे जो 49,339 किलोमीटर था वो 2014 में एनएच 91,287 किलोमीटर से, और 2022 में जहां हमने कांग्रेस यूपीए 10 वर्षों में 25,718 किलोमीटर बनाई, वहां हम 2022 में 14,91,000 किलोमीटर से हम 1,41,190 किलोमीटर नेशनल हाईवे देश में हमने निर्माण करने का काम किया है, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि इस बात को प्रतिपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए कि 10 वर्षों में आपने पूरे देश को 25,718 किलोमीटर कुल सड़कें नेशनल हाईवे की दी, और हमने 8 वर्षों में उस 25,000 की तुलना में 10 वर्ष की केवल 8 वर्षों में 49,339, लगभग 50,000 किलोमीटर हमारी भाजपा एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे इस मंत्रालय ने किया। और इसका नतीजा यह है कि जहां 10 वर्षों में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने 25,000 किलोमीटर बनाया था, इस बार पीएम गति शक्ति में तय किया गया। और आपने देखा होगा कि जिस समय निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है और सड़क परिवहन मंत्रालय ने, गडकरी जी के मंत्रालय ने उनके कुशल नेतृत्व में तय किया है कि 22-23 में, हमारे जनरल बीके सिंह साहब बैठे हैं, 22-23 में जहां 10 वर्षों में कांग्रेस यूपीए ने कुल 25,000 किलोमीटर बनाया, इस बार 22-23 में अकेले पूरी दुनिया देखेगी कि भारत सरकार के नेतृत्व में अकेले एक वर्ष में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करने का काम करने जा रही है। यह निश्चित तौर से अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी किस तरह से स्पीड बढ़ी है कि हमने काम शुरू किया है कि कितना हम करते थे। हमने जो हमारा काम था जब 2013-14 में इस मंत्रालय के लिए बजट का जो एलोकेशन था वो 26,090 करोड़ का था, आज इस वर्ष जो बजट है जिसका हमने शुरू में उल्लेख किया कि 2022-23 में जहां 14 में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने जब हमें सत्ता दिया तब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश का, किसी देश का, दुनिया का विकास, आज गडकरी जी हमेशा कोटेशन देते हैं कि अमेरिका इसलिए रिच नहीं कि अमेरिका रिच है, इसलिए अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं, अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका रिच है। आज दुनिया में अगर अमेरिका को ये माना जाता है कि बहुत ही उसकी इकोनॉमी, उसकी डॉलर रिच है, तो इसलिए कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। और आज उस पर जहाँ कांग्रेस यूपीए 14 तक 26,090 करोड़ का उनका बजट था, आज 22-23 में हमने 1,99,108 करोड़ का बजट किया। ये अधिष्ठाता महोदय, निश्चित तौर से ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, इस पे तो पूरे सदन को, आज देश को ये संदेश जाना चाहिए कि अगर हमने इस 8 वर्षों में
अपने सड़क परिवहन या इस राजमार्ग के मंत्रालय का 7.6 टाइम, 7.5 टाइम्स हमने अपने बजट को इंक्रीज किया है। तो ये इस बात का द्योतक है कि हमारे लिए देश की कनेक्टिविटी देश के लिए सबसे बड़ी बात। और 2004 से 5 तक 13-14 में कुल जो बजट कांग्रेस यूपी के सरकार में खर्च हुआ 1,54,394 करोड़, ये आंकड़े हैं मानव, हर साल बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था, जो एक प्रत्येक वर्ष का एक औसत बजट 15,440 करोड़ का। तो ये कांग्रेस यूपी की सरकार जो आज कह रहे हैं कि बजट या सड़क कैसे बनेगा, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो एक साल में औसत 15,440 करोड़ का कांग्रेस यूपीए का बजट था सड़क के लिए, राजमार्ग के लिए। वही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में 8 वर्षों में, जहां हमने 2014 से 15 से 21 22 में, जहां उनके 10 वर्षों में 1,54,394 करोड़ का टोटल बजट एलोकेट किया गया इस मंत्रालय के लिए, वहीं 14-15 से 21 22 तक हमने 5,85,578 करोड़ मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस मंत्रालय को दिया, जिससे आज देश की सड़कें, चाहे एक्सप्रेस वेज बन रही दिल्ली मुंबई हाईवे, चाहे दिल्ली कटरा अमृतसर हो, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, मैं या राम जानकी मार्ग हो, अयोध्या से जनकपुर तक का हो, वो सारी बातों को मैं कहूँगा। तो आज जहाँ कांग्रेस यूपीए की सरकार में इस मंत्रालय के द्वारा मात्र हर साल 15,440 करोड़ खर्च किया जा रहा था, वहीं हमारी सरकार में प्रत्येक वर्ष औसत 15,000 की तुलना में 73,197 करोड़ सड़कों के, राजमार्ग के निर्माण में हमारी सरकार खर्च कर रही है। मैं निश्चित तौर से बधाई देना चाहूँगा अपने मंत्रालय को, गडकरी जी को, अपने मंत्री प्रधानमंत्री जी को। और आज इन इस पीएम गत शक्ति पे हम 4 स्थानों पे जिस तरह से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रहे हैं, और ये अगले जो 25 सालों के लिए देश का एक आर्थिक विकास होगा, उस विकास का ये निश्चित तौर से आने वाले दिनों में होगा। और आप, मैं कहना चाहता हूँ कि हम भारतमाला परियोजना की बात हो रही थी, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो हम मल्टीपल कॉरिडोर्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ले रहे हैं, उसमें हम 22 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जिस 22 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर में 5 एक्सप्रेस कॉरिडोर होगा और 17 एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर्स होंगे। ये टोटल इसकी लंबाई होगी 8,400 किलोमीटर। तो अधिष्ठाता महोदय, किस तरीके से इस कोविड की चुनौती में भी हम दुनिया की सबसे तेज हमारी अर्थव्यवस्था बन सके, और दुनिया में भारत में हमने कोविड में देखा कि जब लोग ग्राउंडेड हो गया, चाहे रेल ठहर गई, तो किस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों के सामने खाद्यान्न का संकट न हो, उस खाद्यान्न के संकट के लिए 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई रोड से रेल से। और उस समय भी, उस समय महसूस किया प्रधानमंत्री जी ने, और इस बजट में वो परिलक्षित है पीएम गत शक्ति में, कि हम आने वाले दिनों में किस तरह से हम मूवमेंट को सबसे तेज कर सके, और वो मूवमेंट गुड्स का हो या लोग पैसेंजर्स का हो, उस दिशा को उसको ध्यान में रखते हुए ये तय किया है कि ये हम कॉरिडोर सब बनाने जा रहे हैं। और इसीलिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने कि हम 22 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाएंगे, जिसमें 5 एक्सप्रेस वे होंगे, 17 एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर्स होंगे। और इस तरह से इससे इसके हो जाने से पूरा हर साल 110 करोड़ लीटर केवल फ्यूल की बचत होगी। अभी इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं कि आज टोल टैक्स में भी जो पिछले दिनों उन्होंने फास्ट एक्सप्रेस वे बनाया, जिस तरह का सिस्टम हमारी सरकार ने आने वाले दिनों में किया, और इससे 15 करोड़ से ऊपर मैंडेट क्रिएट होगा रोजगार का। और कम से कम इस भारतमाला के परियोजना के अंतर्गत
3.30 मतलब 3.30 लाख टन केवल सीमेंट की खपत होगी और 8.50 लाख टन स्टील की खपत होगी। तो इससे साफ है कि जो पिछले दिनों इस कोविड के नाते पूरी दुनिया में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे निर्माण हो या फैक्ट्री हो इंडस्ट्रीज हो जिस तरीके से दुनिया के सामने चुनौती आई, लेकिन भारत उन चुनौतियों में भी पूरे विश्व के WHO ने तारीफ किया। और आपने एक तरफ देखा कि हमने केवल हमारी सरकार ने लोगों की जान को लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम नहीं किया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट के साथ खाद्यान्न देने का काम किया जो लगातार अभी जारी है और जिसके परिणाम भी आए हैं। अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए, चाहे वो मणिपुर हो चाहे गोवा समंदर के किनारे हो या नॉर्थ ईस्ट का सबसे एक्सट्रीम हो चाइना के बॉर्डर पे और चाहे हिमालय की गोद में उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, उन चारों राज्यों ने जिस तरीके से पिछले 37 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़े हैं कि जो सरकार सत्ता में हो 5 साल टेन्योर पूरा करे, वो एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी में दोबारा 2/3 बहुमत से चारों राज्यों में आए, ये इस बात को साबित करता है कि अब चाहे वो देश की सीमा पे गोवा हो या एक तरफ मणिपुर हो या नेपाल के बॉर्डर पे उत्तराखंड हो या मध्य भारत का UP हो, ये देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है जिसको परिणाम में 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम में दिखाई पड़ा। तो निश्चित तौर से ये इस बात का द्योतक है। आपने कितना समय चाहिए? बस जैसा मैंने कहा जगदीप बाबा जी, कितना समय चाहिए आप? गिव मी 15 मिनट्स। ऑलरेडी 15 मिनट्स इज ओवर। जस्ट आई हैव स्टार्टेड, आई विल नॉट टेक, आई थिंक सो आई विल ट्राई टू कंक्लूड विद इन 15 मिनट्स। नो सर, विद इन 5 10 मिनट्स। बड़ा मंत्रालय है, देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है और मैंने इनिशिएट किया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं जहां बात हमारे प्रतिपक्ष के साथी कर रहे थे, कांग्रेस UPA की सरकार में 2014 में रोज जो प्रतिदिन सड़कें बनती थी वो 11.7 किलोमीटर पर डे बनती थी। आखिर परिणाम देखेंगे, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के परिणाम की बात कर रहा हूं। जो देश की जनता के सामने है कि कांग्रेस UPA की 2014 में रोज 11.7 किलोमीटर पर डे का निर्माण हो रहा था, जो आज 2014 से 2022 में पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन राज मंत्रालय और गडकरी जी BK सिंह जी बैठे हैं, मैं निश्चित बधाई दूंगा कि जहां देश में कुल 11 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही थी, आज 2021 में 37 किलोमीटर पर डे सड़क नेशनल हाईवे बनाने का काम कर रही है, जो निश्चित तौर से अपने आप में एक देश के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। और मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा था कि अगर पूरे दुनिया में USA में अगर आज देखें तो USA में 66.45 लाख 66.45 लाख किलोमीटर की सड़कें का रोड नेटवर्क है। और आज भारत में भी पिछले दिनों में जिस तरह से हमने नेशनल हाईवेज का स्टेट हाईवेज का सारी किया, वो आज 63.71 लाख किलोमीटर, मतलब हम विश्व में दूसरे नंबर पे आ गए। वो हमसे 66 लाख किलोमीटर अगर हैं तो हम भी 64 लाख किलोमीटर 31 के 2019 तक पहुंच रहे हैं। और ये हुआ कैसे? आप ये देखिए कि जहां 2004 और 5 में से 13-14 में 41,736 किलोमीटर सड़क का निर्माण का काम शुरू हुआ और उस समय जो एवरेज रेट आ रहा था काम करने का, जो मैंने बताया कि 11.4 किलोमीटर, वहीं 14-15 में जहां पिछले साल 2022 तक 71,000 किलोमीटर का हमने निर्माण किया, उसमें पिछले साल 28% था और पिछले साल की तुलना में हम इस साल 30.4% हमने वृद्धि की है, मतलब 28 से अब 37 किलोमीटर पहुंच गए। तो इससे स्वाभाविक है कि जिस तरह से आज हमारा फोकस इन निर्माण कार्यों पे है, इसी तरह से आज मैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर नेशनल हाईवे सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में NIP में
जो इम्प्लीमेंट है 2677 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है 24-25 तक, जिसमें 1,03,400 किलोमीटर टोटल एस्टिमेट है 22.2 लाख करोड़ का। ये हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ फॉर नेशनल हाईवे बनाने जा रहे हैं। और 358 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 18,688 किलोमीटर के हैं, जिसकी कास्टिंग 205,567 करोड़। और इसी तरह से 1,226 हमारे प्रोजेक्ट्स है जो 41,516 किलोमीटर, जिसकी कास्ट 9.2 लाख है। इसी तरह से आप देखिए, आपको याद होगा हम लोग सदन में थे, आप भी थे, 2013 के जून में जिस तरीके से उत्तराखंड में बाढ़ आई, जिस तरह से हजारों लोगों की जान गई, पूरा उत्तराखंड जिस तरह से वहाँ की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, आवागमन बंद हो गया, कई कई दिनों तक लोगों की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में जो लोग फंसे रहे उनकी जान चली गई। लेकिन जिस दिन उस 2013 के जून के बाद, उस समय हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले उत्तराखंड के सहयोग के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में हाथ बढ़ाया था। लेकिन 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले हमारे 27 दिसंबर 2016 को चार धाम, जो देश के नहीं पूरी दुनिया के लोग आते हैं, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों धाम होता है, तो ये चारों धाम के लिए 825 किलोमीटर जिस पे 12,000 करोड़ खर्च होगा, ये भारत सरकार ने विश्व के उस चार धाम, जो देश की आस्था का, दुनिया की आस्था का केंद्र बिंदु है, हजारों हजार लोग हर राज्य से, आपका राज्य हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, लोग चारों धाम हर साल जाते हैं। और वो पेव शोल्डर से बनेगा, चंबा से, स्काई से, और ये 27 दिसंबर 2016 को हो गया। 25 ब्रिजेज हैं इसमें, 107 माइनर ब्रिजेज हैं, कलवर्ट्स हैं मैं इसको कहूँ, लेकिन 825 किलोमीटर पहाड़ पे, उत्तराखंड पे 825 किलोमीटर हाईवे बनाने का काम उत्तराखंड में, ये कितना कठिन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने एक प्राथमिकता दिया हमारे बजट में कि हमारा पीएम गतिशक्ति का सबसे बड़ा हमारी थ्रस्ट होगा, फिर समेकित विकास पे होगा, उत्पाद संवर्धन निवेश पे होगा, और जो इन्वेस्टमेंट में होगा उसको वित्तीय मदद होगी। और इसीलिए पीएम गतिशक्ति में राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाने की बात की गई, और राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग के लिए, नेटवर्क के लिए हमने 2022-23 में इस बार अपने अनुदान में आपने देखा है, हमने लक्ष्य तय कर दिया कि कहाँ 10 वर्षों में कांग्रेस यूपीए में 25,000 किलोमीटर बनी थी, वो 25,000 किलोमीटर हम एक वर्ष में बनाएंगे, और इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए, इस 25,000 किलोमीटर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी करेंगे। आज आप कह रहे हैं पैसे की बात, जिस तरीके से कई बार गडकरी जी ने कहा कि मनी इज नो प्रॉब्लम, मनी इज नो इशू, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारी सरकार में इच्छा शक्ति है जिसका परिणाम आज आ रहा है। और ये नहीं, पर्वतमाला में मानवर आपने देखा कि रोपवे की बात किया हमने, आज जिस तरीके से टूरिस्ट को लोग जाते हैं कहीं भी, चाहे मसूरी जाएं, चाहे जम्मू कश्मीर में जाएं, पहलगांव जाएं, गुलमर्ग जाएं, जिस तरह से आज एक रोपवे का भी है, उसमें भी हमने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम तय किया है, और 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है इस बजट में। तो मैं तो चाहूँगा कि ये विकास का मामला, इसमें तो कोई विरोध होना नहीं चाहिए, इस बजट को सत्ता पक्ष को, प्रतिपक्ष को ध्वनिमत से पारित करना चाहिए, क्योंकि आखिर पर्पज क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है। सरकार का उद्देश्य केवल ये है कि किस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, या महाराष्ट्र से बंगाल तक, या हम लोगों को, लोगों की फास्ट मूवमेंट हो सके, गुड्स हम उसको मूव कर सके, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट को जहाज से हमारी सरकार ने, कोविड के उस पैंडेमिक में जब चुनौती आ गई, किस तरीके से एक्सप्रेस रेलवेज बनाई गई और हमारी ऑक्सीजन के सभी टैंकर्स को पहुंचाने का काम हुआ। तो ये हम लोगों को एक निश्चित तौर से आया कि इस देखते हुए कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर सकें, और इसीलिए इस पर्वतमाला कार्यक्रम के अंतर्गत हमने किया। और मैंने बस, I have told you I will not take more than 15 minutes. No. अरे, you are very kind enough to me. No, you have already taken 20. So nice of you. Thank you, sir. Please. तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो एक हमने डेवलप किया है, कि ये जो हमने शुरू में कहा था कि ये
ग्रोथ के जो 7 इंजन हैं, चाहे वो सड़क हो या रेल हो या हमारी इनलैंड वाटरवेज हो या ट्रांसपोर्ट हो, तो ये 7ों को, या हमारे एयर कनेक्टिविटी हो, तो इनके लिए हम डाटा एक्सचेंज प्रोग्राम में हम किस तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम और API करेंगे, और उस कार्यक्रम से सबको हम एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे, जिससे उस एक प्लेटफॉर्म से निश्चित तौर से आज लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात बहुत बार प्रतिपक्ष से उठाई जाती है। तो ये सरकार पहली बार आज़ादी के बाद लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी देश की जनता को प्रोवाइड करने का इस बजट में तय किया है, तो निश्चित तौर से ये स्वागत योग्य है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की बात हमने कही है कि ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे हम भारतमाला परियोजना के अंतर्गत काम करने जा रहे हैं। अकेले इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स में हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हम प्लान कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, और जिसपे इन्वेस्टमेंट आएगा 46,000 करोड़ का आएगा। कहाँ 26,000 करोड़ का कुल बजट होता था 14 में इस मंत्रालय का, और हम अकेले 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए 46,000 करोड़ देने जा रहे हैं। अधीर जी है नहीं, तो शायद वो भी स्वागत करते हैं। मैं पूछता कि आखिर इस काम से, और निश्चित तौर से इसका जिस दिन ये काम कंप्लीट हो गया, ये 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी कंप्लीटेड, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हमारी सरकार की जिस दिन बनेगा, उस दिन इसकी ऑपरेशन होने के बाद, फंक्शनल होने के बाद, जो इसकी हैंडलिंग क्षमता रहेगी कार्गो की, वो 700 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो की क्षमता रहेगी। इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। आज हम इतना वेलफेयर वर्क में काम कर रहे हैं, किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का, आखिर दुनिया आज, दुनिया हमारी तरफ क्यों देख रही, और दुनिया चाहे क्लाइमेट चेंजेज की बात हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, और चाहे वर्ल्ड के इस कोविड के वैक्सीनेशन अभियान की बात हो, आखिर दुनिया में अगर आज भारत 130 करोड़ लोगों को जिस तरीके से फ्री वैक्सीनेशन कर रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन, वो इसलिए कि इसके रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ कि आखिर आज अगर वो व्यवस्था हो रही है, तो इसलिए मैंने ध्यान दिया कि इनके समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को जनरेट कर रहे हैं। और इसी तरह से मैं सब बजट की बात कर रहा हूँ कि इसमें एक आया है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आल्सो, तो वो क्या आया है कि इफ एनी 15-year-old कमर्शियल व्हीकल्स एंड 20-year-old पर्सनल व्हीकल्स टू बी कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी, क्योंकि एक बहुत था, क्योंकि आज पूरी दुनिया में हो रहा कि कार्बन इमर्सन या कार्बन का उत्सर्जन कम हो, या हमने प्रॉमिस किया जब पेरिस के समझौते में, किसी नेता ने किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है और भारत के लिए संतोष का विषय है। धन्यवाद। आखिर फिर जो बाइडेन को जुड़ना पड़ा ग्लासगो की इस कॉन्फ्रेंस में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, तो आखिर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम अपना भी कार्बन एमर्सन कम करेंगे, अपना पॉल्यूशन कम करेंगे, इसलिए हम एक पहली बार पॉलिसी बना करके लाए हैं कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और ये पॉलिसी आने से दिस पॉलिसी विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 करोड़ पर एनम। तो देखिए कम से कम इस सरकार की दिशा को तो देखे प्रतिपक्ष, इस सरकार की कम से कम सोच को देखे कि हम इस पॉलिसी को जो लाएंगे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इससे 10,000 करोड़ का हमारा कम से कम इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो बढ़ेगी वो कम से कम 35,000 करोड़ की जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब इस तरह के लोगों को इनकम होगी, और एक बार जब पूरी लागू हो जाएगी तो इससे होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमने इसमें किया है, इस काम को करने के बाद निश्चित तौर से समाप्त करूंगा, बस जरा अयोध्या की बात कर लूं, क्योंकि यूपी में इतने काम हो रहे हैं। आप सोचिए साहब, भगवान राम कैसे आए होंगे, या भगवान राम अयोध्या से जनक या सीता जी के उस स्वयंवर के लिए गए होंगे, लेकिन आज उसके बाद, आजादी के बाद से आज तक नहीं किसी को चिंता थी, सरकारें बहुत आई। लोग कहते हैं आज बहुत दावा कर रहे हैं कि हमने भी कल्पना किया था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, तब तक तो लगाते थे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हमारे बैठे होंगे कि इसका फैसला न किया जाए, चुनाव के बाद इसका फैसला हो, बड़े हमारे वकील थे, मंत्री थे, तो आज उस
अयोध्या में जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमें खुशी है, अधीर रंजन जी हमारे आगे कांग्रेस के नेता, आज खुशी है कि जहां अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं उस अयोध्या से, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, भगवान राम की जन्मस्थली से, माँ सीता की जन्मस्थली जनक, जो एक तरह से नेपाल और बिहार के, उस उत्तर प्रदेश से बिहार के राम जानकी मार्ग को, जिस तरह से एक हाईवे हमारी सरकार ने 6 लेन उत्तर प्रदेश में और बिहार में 4 लेन, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से अयोध्या होकर गोरखपुर तक 275 किलोमीटर की बनाएंगे, और इसी तरीके से फिर बिहार में हम जाएंगे और लखनऊ से, और उसको पहला विकल्प होगा कि हम उसको 6 लेन बनाएंगे, तो किस तरह से इससे केवल आज जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर की बात कही गई पिछली बार कि डिफेंस कॉरिडोर अगर बन रहा है यहाँ से बुंदेलखंड तक, तो केवल हम एक्सप्रेस वे नहीं दे रहे हैं, एक्सप्रेस वे के साथ साथ हमारे डिफेंस के भी, जो आज हम चीज़ें खरीदते थे, हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम 101 डिफेंस के इक्विपमेंट सब हम खुद ही अपने देश में बनाएंगे, हम आत्मनिर्भर भारत की बात जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उस कोविड के बाद जब उनको लगा कि हम दुनिया पे किसी पे आश्रित नहीं होंगे, और आज दुनिया के हमने 150 देशों को हमने वैक्सीन दिया, तो निश्चित तौर से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस भारत को आत्मनिर्भर भारत बढ़ाने के लिए जो पीएम शक्ति आई है, और जिस तरह से उनको हमने इंटर कनेक्टेड आपस में किया है, प्लीज बस आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स, अगेन 5 मिनट्स, थैंक यू सर, ऑलरेडी यू हैव डिमांडेड 15 मिनट्स, दैट्स 15 मिनट्स, आपको ले चलूंगा, आई विल टेक टू यू, आई विल टेक टू यू सीतामढ़ी, आई विल टेक टू यू जनकपुर, यू विल बी हैप्पी आई टेल यू, आप सोचिए, हम लोग कोठी जाते हैं, हम मुनार जाते हैं, आप भी चलिए जनकपुर सीता चलिए, तो आपको लगेगा कि जो सीतामढ़ी जिले के जो बीठा चौक से जनकपुर नेपाल पे है, उसके बन जाने से अयोध्या कितना आसान हो जाएगा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और मैं बहुत कम समय लूँगा क्योंकि आप समय की बार बार सीमा बांध रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पीएम गति शक्ति है, मैं थोड़ा सा कह दूँ जिससे कि समझ में हमारे गौरव गगई भाई चीज़ों को इंटरेस्ट लेते हैं, कि इसमें हम यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म देंगे, ये तो ही इज क्वाइट टेक्निकल पर्सन ऑल्सो एंड ही इज वेरी सेंसिबल ऑल्सो एंड ही हैज फुल नॉलेज अबाउट ऑल दी थिंग, इसलिए मैं इसको वो बैठे हैं इसलिए मुझे कहना जरूरी साहब कि ये जब यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो इसमें जो सभी तरह के मोड हैं, सारे ऑपरेटर्स हैं, उनका सारा डाटा एक्सचेंज हो सकेगा, यात्रियों के फिर जो उनकी यात्रा होगी उसके लिए एक तरह से ओपन सोर्स मोबिलिटी हो जाएगी, जिस तरह से जो एकीकृत पोस्टल रेलवे नेटवर्क जिसमें पार्सल की यह है, अभी आपने देखा था हमारे रेल मंत्री जी ने कहा था 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट इस तरीके से, और आपने देखा इनलैंड वाटरवेज में 100 नदियों को गडकरी साहब ने लिया, और आज प्रयाग से हल्दिया तक का जिस तरीके से जा रहा कार्गो, कहाँ पहले आज दुनिया में पहले हम नदियों से ही जलमार्ग से सब भेजते थे, आज रोड पर कितना दबाव बढ़ रहा है, चाहे ट्रक का बढ़ रहा हो चाहे बसों का बढ़ रहा हो, तो इसको हम कवच के क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो जो सार्वजनिक शहरी परिवहन है कि हम एक शहर में चाहे सिटी बस हो चाहे शहर में मतलब RRT हो तो वो हो BIT हो, तो उस सार्वजनिक शहरी परिवहन में और रेलवे स्टेशन के बीच में मल्टी मॉडल संपर्क हो, अभी लोगों को उतरने के बाद अगर मेट्रो से उतरते हैं तो अपने मोहल्ले तक जाने के लिए नई चीज़ें, तो इसको मल्टी मॉडल एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे ये पीएम गति शक्ति में, परंपरागत सड़कों के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में नेशनल रोड बेस्ड डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, और इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए क्षमता का निर्माण करेंगे, और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी परियोजनाएँ हैं उसमें सभी को हमने कवर किया है, ऐसा नहीं हमारे आप खुद हैं, आप देखिए चेन्नई सेलम गलियारा जो एक्सप्रेस वे की पूंजी है 9,681 करोड़, रायपुर विशाखापत्तनम की 16,102 करोड़ है, इसी तरह से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे 4,183 करोड़ है, दिल्ली देहरादून मैं उल्लेख कर रहा हूँ, बस मैं जल्दी कंक्लूड कर दे रहा हूँ, अमृतसर जामनगर है 4,000 करोड़ है, दिल्ली कटरा है, कितना लोग जाते हैं साहब दिल्ली कटरा अमृतसर, आप सोचिए किस वहाँ पे किस तरीके से हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी 39,500 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, और इस एक्सप्रेस वे की जो लागत आएगी
तो आप सोचिए कि हम जितने अभी तक महत्वपूर्ण थे एक्सप्रेस वे 4 लेन 6 लेन में, उसको हम करने जा रहे हैं, चाहे दिल्ली कटरा हो, अमृतसर जामनगर हो, yes. इसी तरीके से. तो हम कहना चाहते हैं कि आज ये जो जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सड़क परिवहन पे, ये किस तरीके से पूरे भारत में, चाहे यात्रियों के लिए चाहे माल की ढुलाई के लिए, दोनों के लिए जो परिवहन होता है वो सबसे एक तरह से किफ़ायती कह लीजिए, सबसे मिनिमम कह लीजिए, जैसे रेलवे इज ए लाइफ लाइन फॉर द कॉमन मैन, तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट भी है. तो ये सबसे किफ़ायती और सुविधाजनक है, और इसलिए इसमें घर घर लोगों को डिलीवरी हो सके और इनके साथ काम हो सके, तो इस स्तर पे हमारी सरकार जो सोच रही है, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम भारतमाला योजना के तहत सरकार ने 4 सड़क जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, उसके लिए हम 4,500 करोड़ रुपया जारी कर दिया. आप कह रहे थे भारतमाला में कुछ नहीं हो रहा. Yes. तो मैं कह रहा हूँ 22 फरवरी की बात कि 22 फरवरी को मैं उनका जवाब भी दे दूं, क्योंकि उन्होंने अभी कहा कि भारतमाला परियोजना कंक्लूडिंग और इसमें जो मंजूर की गई परियोजनाएं हैं वो मान्यवर कोई यूपी की नहीं, खाली असम की है, तेलंगाना की है, कर्नाटक की है, सभी राज्यों प्रदेश की है, सभी राज्य. आई थिंक सो आई एम पुटिंग आई एम रेजिंग ऑल द कंसर्न विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. यू विल बी एग्रीड. प्लीज प्लीज कंक्लूड. तो बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, हमारा समय है. अरे पार्टी चीफ व्हिप साहब, चीफ व्हिप साहब राकेश जी, कुछ समय और है? ना 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 ना, ये समय डिसाइड इधर से, उधर से नहीं. प्लीज 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 प्लीज, आप सीनियर मेंबर है, ठीक, समय डिसाइड चेयर से समय डिसाइड कर रहे हैं. अच्छा ठीक. तो ये इस तरीके से जो महत्वपूर्ण हमारी हैं, तो मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ. प्लीज कंक्लूड. हाँ, और मैं इसको कंक्लूड ही कर लूंगा, नहीं तो मैं आपको ये बता सकता था कि पहले 14 तक जैसे बजट एस्टिमेटेड होता था, फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता था. तो आप यकीन करेंगे 14 तक जब जोशी जी इनके राजस्थान के हमारे परिवहन मंत्री यहाँ थे, तो 74% खर्च होता था, जो बजट एलोकेट होता था वो बजट 74% खर्च होता था, और आज जो बजट एलोकेट हो रहा है 111% हमारी सरकार खर्च कर रही है. तो स्वाभाविक है कि आखिर आज हम केवल अपने टारगेट को नहीं पूरा कर रहे हैं, बल्कि टारगेट से भी ऊपर अचीव कर रहे हैं, जो देश के विकास को बदलेगा. मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की तस्वीर को बदल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं. आपने समय दिया, बहुत बहुत.